सब्सक्राइब कीजिए नेचर सीक्रेट चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरी वीडियोस की अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचर सीक्रेट। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ऑयली स्किन के लिए फेस पैक, जो कि आपकी स्किन से ऑयल को दूर करेगा और आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। तो आज की इस रेमेडी में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह आप अपने ऑयली स्किन से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। इस रेमेडी को बनाना बहुत ही आसान है। इसमें हम 3 इंग्रेडिएंट्स का यूज करने वाले हैं। तो इस रेमेडी का इस्तेमाल करके आप अपनी स्किन के ऑयल को दूर कर सकते हैं। इस रेमेडी को बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम में आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फ्रेंड्स, इस रेमेडी को आप हफ्ते में 3 से 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। तो चलिए आज की रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी का। फ्रेंड्स, इस रेमेडी को आप अपने फेस और नेक पे अच्छी तरीके से अप्लाई करेंगे, जिससे आपकी इवन टोन जो रहेगी वो भी प्रॉब्लम रहेगी वो भी दूर हो जाएगी। इसके लिए यहाँ पे मैं करीबन 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेने वाली हूँ, क्योंकि मैं आपको टेस्ट करके बस बता रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ। आप चाहें तो 2 चम्मच भी ले सकते हैं। इसके बाद हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं एलोवेरा। जैसा कि आपको पता है, एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश एलोवेरा लिया है। यहाँ पे मैंने एलोवेरा लीफ को ग्राइंड करके इसका पेस्ट बनाया है और उसी को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एलोवेरा लिया है। साथ ही मैं इसमें इस्तेमाल करने वाली हूँ गुलाब जल का। फ्रेंड्स, ये रेमेडी आपके ऑयल को दूर करेगी स्किन से और आपको बहुत ही अच्छा ग्लोइंग फेस प्रोवाइड करेगी। इसके बाद आपको इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है, इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा और गुलाब जल ऐड करूंगी। इसका आपको एक थिक पेस्ट बनाना है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पेस्ट अच्छा बनना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ठीक होने लग गया है और ऐसी कंसिस्टेंसी का आपको पेस्ट बनाना है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी है। जैसा कि आपको पता है, गुलाब जल फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये डर्ट को रिमूव करता है और एलोवेरा जो होता है वो स्किन के लिए तो काफ़ी फायदेमंद है ही, जैसा कि आपको पता ही है। तो यहाँ पे आपको इसे अच्छी तरीके से अपने फेस और नेक पे अप्लाई करना है। इस रेमेडी को आप हफ्ते में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और कंटिन्यू यूज करने से आपके स्किन पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा। आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी, आपकी स्किन के ऑयल प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो इसे यूज करने के बाद करीबन 15 से 20 मिनट आपको स्किन पे रखना है और उसके बाद आप देख सकते हैं स्किन पे इतना अच्छा इफेक्ट देती है एक ही बार में। तो आप सोच सकते हैं कंटिन्यू इस्तेमाल से ये आपको कितना अच्छा इफेक्ट दे सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेमेडी। आई होप आपको ये रेमेडी अच्छी लगी हो। अगर ये रेमेडी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें मेरी वीडियोस की अपडेट्स के लिए, और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें।